तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा एक न्यू जो जाति आय और आवासीय इस तरह का बनता था और एक न्यू अब बनने लगी है, तो वो क्या है, आचरण प्रमाण पत्र। तो इसका क्या मतलब है, तो चलिए हम पहले इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या होता है और उसके बाद इसका क्या उपयोग होगा, कैसे बनाना है, सब हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे और बना के ऑनलाइन आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंट है आपको डाउनलोड करना, आज जैसे अप्लाई किए कुछ दिन, 2 या 3 दिन के बाद ही आपको डाउनलोड करना है, तो वो हम एक वीडियो बना चुके हैं, उस पर आप देख के उस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं पहले भी। तो चलिए हम इसको बता देते हैं, पहले अप्लाई करके फिर डाउनलोड जब करेंगे तो वो भी हम डाउनलोड करके आपको बता देंगे। चलिए क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। सिंपली आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पे आप जैसे कि डाउनलोड करते थे, अप्लाई करते थे जाति आय आवासीय, वही आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे तो हम बिहार से हैं, तो बिहार में RTPS से होता है, तो RTPS हम कर दिए। और उसके बाद RTPS का सर्वर आ जाती है, तो यहाँ पे कोई भी सर्वर पे आपको चले जाना है, तो RTPS 1 बिहार RTPS, तो हम यहाँ पे RTPS 1 पे आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद अगर आपको इंग्लिश समझ आती है तो ठीक है, नहीं यहाँ पे इसको हिंदी भी कर सकते हैं। सिंपली आपको हिंदी यहाँ ऊपर में होगा तो इस पर क्लिक करिएगा, तो आप देख सकते हैं इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे श्री नीतीश कुमार इस तरह का आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे आना है। चलिए हम नीचे आ रहे हैं। और जब हम जाति आय आवासीय कोई बनाते थे तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता था, तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करना पड़ता था। ऑनलाइन आवेदन पे क्लिक करने के बाद लोक सेवाएं, तो उसके बाद यहाँ से फिर समान प्रशासन विभाग सेवाएं, यहाँ से जाति आय प्रमाण पत्र निगम, इस तरह का करना पड़ता था। तो यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार एवं सेवाएँ, तो इस पर आना है। इस पर आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पर गृह विभाग की सेवाएं, इसी में आपको हम बताएंगे इसका क्या उद्देश्य है, ये क्यों बनवाया जा रहा है। जैसे कि अगर आपके कहीं जॉब कर रहे, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको पूछा जाता है आपके ऊपर कोई केस भी है या FIR वगैरह कोई भी हो, पुलिस इन्फॉर्मेशन, तो वो यहाँ पे इस अगर नहीं होती है तो ये आपका आचरण प्रमाण पत्र साबित करता है। तो इसके आचरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर क्लिक कर देना है और यहीं पर आप पढ़ भी लेंगे तो इसका क्या उद्देश्य है। तो बस 2 से 3 सेकंड वेट करना है, उतना भी वेट नहीं करना पड़ता है, तुरंत आ जाती है ये फॉर्म। और यहाँ पे अभी इसका ऑनलाइन करने के बाद थोड़ा डेट ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि न्यू वेबसाइट है तो ज़्यादा ले रहा है, सॉरी वेबसाइट न्यू नहीं है, फॉर्म न्यू है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, नीचे पहले हम पढ़ के बताते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो स्वयं शपथ पत्र, तो यहाँ पे सेल्फ, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, मैं घोषित करता हूँ या करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाना या न्यायालय में कोई आपराधिक या दीवानी का मुकदमा लंबित नहीं आता। श्रीमान से नम्र निवेदन है कि आचरण प्रमाण पत्र की निर्गत करने की असीम कृपा की जाए, इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा या रहूंगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली जिस तरह आप फिलअप करते थे जाति आय आवासीय, उस तरह फिलअप करना है। यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अभिवादन यहाँ पर सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर स्त्रीलिंग देते हैं तो यहाँ पे श्रीमती और सुश्री दोनों आता है, यहाँ पे मेल कर लीजिएगा और उसके बाद श्री कर लीजिएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे एप्लीकेंट का इंग्लिश में पहले नाम डालना है, तो हम यहाँ पे इंग्लिश में डाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना है कि पूरा नाम डालना है, जैसे यहाँ पे डालते हैं तो एक डबल टाइप हो जाती है हमेशा, तो इसको आपको ध्यान रख के करना होगा। यहाँ पे फिर एप्लीकेंट का हिंदी में नाम डालना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में हम डाल दिए हैं। और उसके बाद एप्लीकेंट का यहाँ पे फादर्स नेम बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम पहले इंग्लिश में डालना है फिर उसके बाद हिंदी में डालना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से डबल टाइप हो चुका है, तो एक को कट कर देना है और यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर हिंदी में टाइप कर देना है। हिंदी में जैसे ही आप टाइप कर लीजिएगा तो यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आती है, तो एप्लीकेंट का मदर्स नेम डाल दीजिए, हम ये डाल देते हैं, फिर नेक्स्ट बताते हैं। ये डालने के बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, यहाँ पे पुल्लिंग आप मतलब मेल सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे ये नहीं होगा, तो यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल देना। तो चलिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, फिर उसका नेक्स्ट बताते हैं।
ये डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आवासीय पता आ रहा है, अस्थाई पता आ रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों आपको डालना होता है। तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पे अभी बिहार ही सेलेक्ट है। अगर आप दूसरे वेबसाइट से करेंगे तो अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ज़िला का नाम आता है, आपके भी स्टेट में जितने भी ज़िले होंगे यहाँ पे आ जाएंगे। तो आपको ये अभी ध्यान रखना है कि यहाँ पे अरवल, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सॉरी फिर से हम दिखा दे रहे हैं, मुजफ्फरपुर, सारण, सहरसा, पूर्णिया, पश्चिम चंपारण, तो यहाँ पे यही सब स्टेट में हो रहा है अभी। और उसके बाद यहाँ पे सॉरी यही सब डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे अनुमंडल सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे आप अपना अनुमंडल सेलेक्ट करिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रखंड ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, तो हम कोई भी अभी डाल रहे हैं फिलहाल। और यहाँ पे विलेज मोहल्ला डालना है, तो यहाँ पे कोई भी हम अभी जैसे कि हम बता रहे हैं आप लोग को, तो ये हम कुछ भी डाल के कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद डाकघर सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हम डाकघर भी कुछ भी अभी हम दे रहे हैं। उसके बाद आप जो स्थानीय निकाय जो भी निकाय से हैं वहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देना है, तो हम सब अभी अलग डाल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना जो भी है, और आपका सेम एड्रेस दोनों है तो यहाँ पे ऊपर जैसा पे क्लिक कर देना है, सेम एज एवम, मतलब हो गया वर्तमान पता भी सेम ऊपर के जैसे है, तो यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर एक फ़ोटो आपको फाइल से सेलेक्ट कर लेना है। तो अलाउ करके आप अपने फाइल में आइएगा, यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी, तो हम यहाँ पे एक फ़ोटो डाल दिए हैं। फिर उसके बाद पैसा पूछ रहा है, तो यहाँ पे आप पैसा छात्र हैं तो स्टूडेंट डाल दीजिएगा, तो अगर और कोई भी हैं तो हम देख लीजिए। यहाँ पे सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी, अन्य, तो छात्र हैं छात्र डाल दीजिएगा। तो आवेदन का उद्देश्य यहाँ पे ये भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जो जाति आए आवश्यक, तो यहाँ पे ये डालना नहीं होता है, ऑप्शनल रहता है, यहाँ पे डालना होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न सरकारी विभाग, निगमों, निकाय में संविदा ठेका पर काम, और उसके बाद यहाँ पे सरकारी सेवा में स्थायी अनुबंध के आधार पर नौकरी, शस्त्र लाइसेंस, पासपोर्ट हेतु आवेदन, तो इस तरह का आ रहा है। तो यहाँ पे बैंक जो भी आपको अच्छा लग रहा है, मतलब जिसके कारण बना रहे हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे मेन टॉपिक आती है यहाँ पे ये डालने का, तो यहाँ पे वर्तमान, यहाँ पे आपको वर्तमान और पिछला, तो यहाँ पे वर्तमान सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ज़िला सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे आप अपना पुलिस स्टेशन कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एड्रेस बोल रहा है, तो यहाँ पे एड्रेस को डाल देना है आपको। और यहाँ पे फिर उसके बाद आप कब से रह रहे हैं, तो पिछले यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हैं, पिछले 2 साल का अधिवास विवरण, तो यहाँ पे 2 साल कर रहा है, तभी 2021 चल रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जनवरी यहाँ पे 2019 डाल देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई चल रहा है, और यहाँ पे 2021 डाल देना है। तो ये इतना डालने के बाद आपको यहाँ पे आ रहा है, देख सकते हैं ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, मतलब SP के द्वारा ये बनेगा। तो यहाँ पे आपको कैप्चा कोड है, तो कैप्चा कोड आपको इंटर कर देना है। तो ये डालने के बाद आप आगे देख सकते हैं, हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो हम सबमिट पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी अपना नहीं डाले हैं, सब अलग अलग हैं। तो इस तरह का करने के बाद आपको एक पेज ओपन हो जाएगी। फिलहाल हम यहाँ पे सब गलत डाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे नहीं खुल रहा है। फिर उसके बाद जैसे जाति आयावासीय बनाते थे सेम उसी तरह का आएगा, तो उसको आपको इंटर कर लेना है। और इंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आएगी, तो अभी और बता देते हैं, एक सेकेंड। फिर वो करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने की ऑप्शन आएगी, तो सेम जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट हम दिखा दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आधार कार्ड रहेगी, वोटर कार्ड रहेगी, तो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा वहाँ पे। फिर उसके बाद आधार कार्ड को वहाँ पे डाल दीजिएगा,
अच्छा रहेगा, आधार कार्ड डालिए और उसके बाद अप्लाई खुद हो जाएगा, सही होगा तो अप्रूव कर देना और अप्लाई कर देना, जो रेफरेंस नंबर मिलेगा उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा बाद में।